इस ब्लॉक में जैसे हमने बताया कि किस तरीके से वायरिंग किया जाता है और वायरिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसेसर करने पड़ते हैं इसमें, तो वायरिंग करने से पहले सबसे पहले ये इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने से नमस्कार दोस्तों, आज हमारे 27वां ब्लॉक है और उस 27वां ब्लॉक में हम प्रैक्टिकल और असेंबलिंग कैसे होती है वो भी बताएंगे और प्रैक्टिकल करके हम वीडियो में बताएंगे। तो आज हमारी 27वां ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम बताएंगे कि हमारे पास जितने भी असेंबलिंग होती है, प्रोजेक्ट मिक्सर है, एम्पलीफायर है, 44-40 का है एम्पलीफायर, 30-55 का है और बहुत सारी दो चार मॉडल हैं जो पीए एम्पलीफायर हैं, 350 वाट का भी है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे असेंबलिंग टेस्टिंग हो चुका है, ऊपर ये फिटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो क्या क्या फिटिंग में ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें। कि फिटिंग के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो स्क्रू ड्राइवर है और जहाँ जहाँ स्क्रू लगती है वहाँ मशीन से ही स्क्रू टाइट हो रहा है और टाइट करते समय खास ध्यान देते हैं कि सारे नॉब वगैरह अपने जगह पे एडजस्ट है और J2 वगैरह अपनी जगह पे फिट है या नहीं। तो इस ब्लॉक में हम बताएंगे कि हमारे पास असेंबलिंग किस तरह की होती है और असेंबलिंग करते समय हमें खास क्या क्या चीज़ के ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे हमारी ये वायर बॉन्ड लगी हुई है तो अपनी जगह पे ड्राई सोल्डिंग तो नहीं है, प्रॉपर सोल्डिंग है या नहीं, तो आउटपुट के में जो कनेक्शन है वो प्रॉपर कनेक्शन है या नहीं, तो ये सब चीज़ें हम ये ब्लॉक में बताएंगे। और अपनी जगह पे जो पावर कोर्ड लगी हुई है वो अच्छी क्वालिटी के है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में ब्लॉक में बताएंगे। तो अब हम ले चलते हैं जहाँ पे हमारे PCB माउंटिंग हो रही है, वहाँ भी हम बताएंगे किस तरीके से लड़के माउंटिंग कर रहे हैं और कौन कौन सी मॉडल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से माउंटिंग हो रहा है और माउंटिंग होने से पहले ये सारे PCB चेक किया जाता है ताकि कोई प्रिंट वगैरह खराब तो नहीं है, इस हिसाब से सारा यहाँ पे माउंटिंग होता है। तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से टोन को सोल्ड कर रहा है और सोल्डिंग करते समय ध्यान रख रहा है कि ये शोल्डर एक दूसरे से टच ना हो, टच ये बहुत समस्या है, शॉर्टिंग वगैरह ना हो, ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वायर बॉन्ड भी सोल्डिंग कर रहे हैं और बहुत स्पीड से सोल्डिंग कर रहे हैं ताकि एक दूसरे से टच ना हो, शोल्डर वगैरह और सफाई से सोल्डिंग हो रही है, डायोड वगैरह लगे हुए हैं अपनी जगह पे और बहुत कंपोनेंट्स लगते हैं तो उसमें अलग अलग वैल्यू होते हैं, वो भी ध्यान देने होते हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ के हर एक वैल्यू का सबका वैल्यू अलग अलग होता है, तो ये समय ध्यान रखते भर में ही माउंटिंग करना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे 44-40 के IC लग रही है, ये हमारे 44-40 के एम्पलीफायर में लगते हैं और IC लगाते समय ये कंपाउंड लगाते हैं IC में और कंपाउंड लगाने के बाद ही ये IC को 4 पेज से टाइट कर देते हैं ताकि ये हीट सिंक IC हीट ना हो, इसके वजह से प्रॉपर टाइट होते हैं। तो यहाँ पे तो सारी माउंटिंग का लाइन है और माउंटिंग हर एक मॉडल का PCP अलग अलग तरीके से माउंट हो रहा है और यहाँ पे 250 वाट, 350 वाट, 150 वाट, 120 वाट, 90 वाट, 45 वाट सारे IP यहाँ बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि PCB भी एक क्वालिटी में ही है और इस तरीके से यहाँ पे माउंट हो रहा है। हमारे भाई साहब ये कंप्लीट कर चुके हैं 250 वाट का माइक बोर्ड। तो यहाँ पे हम जैसे कि हर ब्लॉक में बताते हैं कि हमारे पास सारा अवेलेबल सामान यहाँ पे पड़े होते हैं और जैसे कि रेजिस्टेंस, डाइवर्ट, जीनर, ट्रांजिस्टर,
कैपिस्टर, फिल्टर, फिल्टर भी बोल सकते हैं, कैपिस्टर भी बोल सकते हैं, पीएफ, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, सारे सामान ए टू जेड यहाँ पे हैं। तो अब हम ले चलते हैं जहाँ पे हमारी फिटिंग और वायरिंग हो रहा है, वहाँ पे हम इस ब्लॉक में बताएंगे कि किस तरीके से वायरिंग होता है, वायरिंग होने से पहले क्या क्या ध्यान रखने पड़ते हैं। जगह पे आए हैं जहाँ पे हमारा एक तरफ फिटिंग और वायरिंग का लाइन है, और यहाँ पे जगह पे जहाँ पे मिक्सर टेस्टिंग होता है, तो सबसे पहले हम टेस्टिंग के तरफ से ब्लॉक बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग हो रहा है मिक्सर का, और जैसे कि इस ब्लॉक में हम बताए हैं कि मिक्सर हमारे पास कई मॉडल हैं, तो मॉडल को एक एक चैनल, तो अलग अलग 8-10 चैनल है, तो 8-10 चैनल का एक तरफ से टेस्टिंग किया जाता है, और दूसरी मॉडल भी उसी हिसाब से किया जाता है। तो जैसे जो मॉडल का आर्डर हो उसी को टेस्टिंग किया जाता है सबसे पहले। तो प्रॉपरली टेस्टिंग होता है यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा 6 चैनल का मिक्सर हो, 8 चैनल का हो, तो उस हिसाब से हमारे पास आर्डर आते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपरली टेस्टिंग होती है। और हम इस तरफ जैसे बताया कि इस वाली इस ब्लॉक में जैसे हमने बताया कि किस तरीके से वायरिंग किया जाता है, और वायरिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना पड़ते हैं इसमें। तो वायरिंग करने से पहले सबसे पहले ये इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने से लगा कर और यहाँ पे रखा जाता है, उससे पे मेन लीड लगाते हैं, उसके बाद बोर्ड से सारी तारें निकालने के बाद अपने पोर्ट फोन सारे कनेक्शन करने के बाद लास्ट में मोड्यूल लगते हैं, और उस तरीके से यहाँ पे असेंबलिंग होता है। तो जैसे इस लाइन में हमारे सारे 55 का ही चल रहा है, इस 27वें ब्लॉक में आज की आर्डर में यही 55 का है चल रहा है तीनों जगह। तो यहाँ पे सभी वायरें उसी कलर में लगते हैं जहाँ पे सारे में लगते हैं, जितनी 2360 का ही लगते हैं तो 2360 ही लगते हैं, और वायर अलग अलग हैं, जहाँ पे ज़रूरत हल्की वायर की होती है वहाँ हल्की वायर भी लगाते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, अब तो यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे एम्पलीफायर ये 350 वाटेज का है। तो इस वाटेज में खूबी ये है कि बहुत बेहतरीन तरीके से साउंड है इसमें, और ड्राइवर यूनिट 10-11-40 वाट का, 50 वाट का 10-11 ड्राइवर यूनिट चला सकते हैं इससे, और प्रॉपरली डीएक्स कॉलम 2-4 ओम पे बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो इस हिसाब से वो बना हुआ सेट है जो इतना लोड उठा सकता है। जैसे कि हम 27वां ब्लॉक में हम बता रहे हैं कि 40 वाट का ड्राइवर यूनिट, 11 ड्राइवर यूनिट और 2 डीएक्स कॉलम, ये सारी लोड उठा सकता है ये 350 वाट का सेट जो ये है। तो जैसे कि हर एक वीडियो में हमने कुछ न कुछ बताते ही रहते हैं, कितने वाट का सेट है, कितना उसकी क्षमता है वो भी हम बताते हैं, और आगे भी हम बता रहे हैं। ये हमारे पास 100 वाट का एम्पलीफायर है, तो इसमें कितने इंची के कॉलम और कितने वाटेज तक उठा सकता है लोड, ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में, इस ब्लॉक में। तो जैसे कि ये 100 वाट का सेट है, तो 40-40 वाट का ड्राइवर यूनिट 6-7 चला उठा सकता है लोड ये, और कॉलम ये 12 इंची का 2 कॉलम चला सकता है, और बहुत बेहतरीन तरह से साउंड दे सकता है। तो जैसे कि हमने बताया कि इस ब्लॉक में हमारे पास यहाँ पे 100 वाट का कंप्लीट सेट हो रहा है असेंबलिंग, यहाँ पे प्रॉपरली वायरिंग हो रहा है, जैसे आउटपुट वगैरह मेन ट्रांसफार्मर ये सब लास्ट में लगाते हैं। सबसे पहले जो ईजी वायर हैं, जो माइक की जितने वायरें होती हैं आईपी बोर्ड के होते हैं, वो सबसे पहले लगा के कंप्लीट किया जाता है। मेन लीड पावर कोर्ड जिसे बोलते हैं वो लगाया जाता है, और ऑक्स के लिए जो शील्ड वायर लगाते हैं वो सबसे पहले लगाते हैं, पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए उनकी कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। एक खुले सेट, खुले ट्रांसफार्मर लगने से पहले ये खुले में वायरिंग हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम यही चीज बता रहे हैं 27वां ब्लॉक में कि सबसे खूबी है कि आप देख सकते हैं कि कितनी इतनी इसकी लुक है,
और ये टाके कितनी फिनिशिंग जगह वो जो चमक सोल्डिंग में चमक, सोल्डिंग भी एक नंबर का है, बेहतरीन तरीके की क्वालिटी में बन रहा है सेट ये। हाय दोस्तों, यहाँ पे आए हैं जहाँ पे हमारा प्रोपली यहाँ मिक्सर का फिटिंग हो रहा है। तो फिटिंग सबसे पहले बताएंगे कि आज हमारा ब्लॉक 27वां है, तो 27वां ब्लॉक में हमारे पास कौन सी मॉडल फिटिंग हो रहा है। तो हमारे पास 6 चैनल 8 चैनल दोनों फिटिंग हो रहा है, और किस तरीके से भाई फिटिंग कर रहा है आप देख सकते हैं। घुरमुट लगा रहे हैं, घुरमुट तो घुरमुट लगाते समय ये क्या कर रहे हैं, घुरमुट लगा रहे हैं, उसके बाद J2 टाइट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोपली मिक्सर का वायरिंग हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वायरिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरत चीजें हैं। वो सबसे पहले टीन वायर से शॉर्टिंग करते हैं, ये टीन वायरिंग के पास अवेलेबल है, शोल्डर है और सारे PCP है जितने मिक्सर में माउंटिंग वायरिंग में जरूरत पड़ती है PCP के, तो कई PCP लगते हैं इसमें, करीब 3, 6, 2, 8 PCP लगे हुए हैं, तो सारे 8 PCP लेके बैठने पड़ते हैं इनको, और उसी हिसाब से ये वायरिंग करते हैं। यहाँ पे हम आए हैं तो जहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर रहे हैं, और वायरिंग करते समय एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए वायरिंग कर रहे हैं ताकि किसी पर शोल्डर वगैरह शॉर्टिंग ना हो, तो बड़ा हिसाब से टाके वगैरह लगा रहे हैं। अब यहाँ भाई के पास पहुँचते हैं, तो यहाँ पे भी ये DC सप्लाई बोर्ड लगा रहे हैं, और तो यहाँ पे शोल्डर से इसको प्रिंट है जिसपे ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से फिट हो जाती है, और उसके बाद भी नट वगैरह से टाइट किए जाते हैं, ऐसी नहीं कि हाँ ये शोल्डर से ही रहते हैं, यहाँ पे स्क्रू वगैरह से टाइट किया जाता है, और उस हिसाब से शोल्डिंग वायरिंग कर रहे हैं। हमारे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें। धन्यवाद।